हेलो गाइस, नीलूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिशनल स्वीट डिश रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं देसी गुलाब जामुन के बारे में। इसे हम ड्योरी के नाम से भी पहचानते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा 1 कप, फिर हम लेंगे 1/2 कप दही, अब हम डालेंगे चुटकी भर नमक, और अब हम इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमें पानी कितना इसमें लगेगा। तो यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग जो हमने दही से जिस कप में हमने मेजरमेंट किया था उस कप से हमें 2 कप पानी लगा है। अगर आप कोई भी घर में कटोरी या कप का नाप लेते हैं तो 1/2 कप का जो मेजरमेंट आप लेंगे उस कप के 2 कप पानी हमें लेना है। देखिए हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो रहा है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। हमें इसी तरीके से इसका बैटर बनाना है। देखिए, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अगर इसे ज़्यादा पतला बना देंगे इस बैटर को तो फ्राई होते समय ये बिखर जाएंगे, और अगर ज़्यादा ठीक या मोटा बैटर बनाएंगे तो ये फ्राई होने के बाद इसमें चाशनी अच्छी तरीके से सोक नहीं होगी। तो जो आप मेज़रमेंट ले रहे हैं उसे बिल्कुल इसी तरीके से ले और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और देखिए इसी कंसिस्टेंसी पे हमें इस बैटर को बनाना है। अब हमें इसे ढककर लगभग 3 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देना है। देखिए लगभग अब 3 घंटे होने आ चुके हैं और हमारा जो बैटर है उसने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। लेकिन हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम यहाँ पे इसके लिए चाशनी बनाएंगे, जो कि यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे लगभग 1 कप जितनी शुगर, और इसी कप के मेजरमेंट के मैंने 1.5 कप लिया है पानी, और इसे हमें अब एक अच्छी तरीके से चाशनी बनानी है जिस तरीके से हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा थिक चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ी चाशनी या तार वाली चाशनी बनाएंगे तो हमारे जो देसी गुलाब जामुन है वो इसके अंदर चाशनी अच्छी तरीके से नहीं भरेगी और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो हमें इसे गुलाब जामुन की जैसे पतली चाशनी रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली है और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी केसर। यहाँ पे हमने लगभग 10-12 धागे डाले हैं केसर के, और इसे हम अच्छी तरीके से अब पकने देंगे। अब ये देखिए इसमें से जो इसकी शुगर है वो पूरी तरीके से घुल चुकी है, और अब हमें इसे लगभग 7 से 8 मिनट फुल आंच पे पकाना है ताकि ये बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी की तरह बन जाए। हमें इसे इसी तरीके से फुल आंच में पकाना है। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी की तरह बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी देर पकने के बाद देखिए इसमें केसर का कलर भी कितना अच्छा आया है और इसमें इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम इसे खोलेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरीके से फर्मेंटेशन आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लफी भी हुआ है, इसमें एयर्स आ चुके हैं। ये देखिए इसमें किस तरीके से जालियां नजर आ रही है। इसीलिए हमने इसे लगभग 3 घंटे के लिए रखा था। ये देखिए
ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। फिर हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर लगभग 1/2 टीस्पून के करीब, और इन सारी चीजों को मिलाना है। लेकिन हमें इसे और फ्लफी बनाना है तो हम इसमें डालेंगे लगभग 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने फ्राई करने के लिए तेल और घी दोनों बराबर मात्रा में लिया है। घी की वजह से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और तेल डालने की वजह से ये घी को जमने नहीं देगा। तो आप भी तेल और घी दोनों लीजिए और इसे बराबर मात्रा में लेकर इसे गर्म करना है हमें। अब देखिए तेल और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें 2 स्पून लेनी है, उसमें से 1 स्पून को हम इस तरीके से डिप करेंगे, और जो हमारा बैटर है उसे हम इस तरीके से उठाएंगे इस तरीके से, और दूसरे स्पून को भी हम तेल में डिप करेंगे और इसे इस तरीके से डालेंगे। तो देखिए किस तरीके से फ्लफी हो रहा है। अब आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें छोटे बड़े साइज के डाल सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से एकदम फुला फुला बना है। तो हमें इसे फिर से इस तरीके से डुबाना है अपने बैटर में, और एक छोटे साइज का हम इसमें डालेंगे। अब देखिए इस तरीके से, हम जब इसे फ्राई करेंगे तब हम डालते वक्त तेल को या घी को थोड़ा ज्यादा गर्म करेंगे, लेकिन जब इसे फ्राई करेंगे तब हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। अब हमें इसे इसके अंदर डाल देना है, और इसे हम लगभग 15 मिनट के लिए इसी तरीके से सोक करेंगे। ये देखिए हमारे सारे देसी गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और इसी तरीके से हम इसे चांदी वर्क और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे। लेकिन सर्व करने से पहले हम इस पे थोड़ी सी चाशनी पोर करेंगे इस तरीके से। और हमारे बेहतरीन बहुत ही लाजवाब देसी गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना रसीला बना है, ये देखिए। और अंदर तक इसमें चाशनी चढ़ चुकी है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत लाजवाब बहुत टेस्टी बना है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।